वार्ड क्रमांक 45 सड़क नंबर 53 खुर्सीपाद क्षेत्र के रहवासी प्रत्येक दिन सीवरेज के गंदे पानी के बीच नारकी जीवन जीने को मजबूर है। समस्या को दूर करने इन्हें निगम से केवल आश्वासन ही साल भर से मिलता आया है। सीवरेज के गंदे और बदबूदार पानी के बीच कैसे जीवन गुजारा जाता है, यह वार्ड क्रमांक 45 और सड़क नंबर 53 कुर्सीपार में आकर देखा जा सकता है। यहाँ के रहवासी पिछले एक साल से नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। इन्हें सीवरेज के गंदे पानी के बीच से निकलने और इस समस्या का स्थायी समाधान को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा पिछले एक वर्ष से आश्वासन ही मिलता आया है, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार अब तक नहीं हो सका है। यहाँ के कई घरों में सुबह से शाम तक दिन भर सीवरेज का गंदा पानी जमा रहता है। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। साथ ही सीवरेज चेंबर बनाने के नाम पर इन्होंने घरों के पीछे हिस्से में भी तोड़फोड़ करवा ली है, लेकिन सीवरेज चेंबर को ना तो बनाया जा सका और न ही गंदे पानी की निकासी को लेकर किसी तरह का कोई कार्य किया गया। हर समय सीवरेज का गंदा पानी घरों में एकत्र रहने की वजह से यहाँ जल जनित बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। हमेशा बदबू फैले होने की वजह से स्थानीय रहवासी न तो ठीक से खाना बना सकते हैं और न ही खा सकते हैं। सुबह से शाम तक स्थानीय रहवासी घरों में एकत्र सीवरेज के गंदे पानी को निकालने में ही व्यस्त रहते हैं, बावजूद इसके यहाँ पानी भरा रहता है। इनकी समस्या का समाधान करने और इन्हें सीवरेज के गंदे पानी से बाहर निकालने ना तो नगर निगम जोन 4 के अधिकारियों ने दिलचस्पी दिखाई और न ही नगर निगम मुख्यालय के अधिकारियों ने। हर बार केवल इन्हें आश्वासन ही मिला है। सीवरेज के गंदे पानी को एकत्र होने से रोकने कई बार नगर निगम के कर्मचारी यहाँ आए और मात्र खाना पूर्ति कर चले गए। समस्या का स्थायी समाधान करने किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई और लोगों को उनके हाल पर बीमार होने के लिए छोड़ दिया गया। स्थानीय रहवासियों ने अपनी परेशानियां कुछ इस तरह से बताई। वार्ड 45 से बोल रही हूँ मैं। यहाँ की इतनी गंदगी है सीवरेज की, हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ हम रह रहे हैं सर, देखिए कितनी गंदगी है यहाँ। हम नगर निगम सीवरेज डेली जाते हैं सीवरेज की कंप्लेन करने पर कोई सफाई वाले आते नहीं है, सुनते नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते। एक साल से हम ये परेशानी में जी रहे, हमारे बच्चे को लेके देख रहे हैं आप कितनी गंदगी सीवरेज की सर। पीछे का तो पीछे का, यहाँ तक कि सामने से हमारे घर में भी जा रहा है वो पानी गंदगी। हर जगह जो बोल रहे पार्षद के पास जाओ, निगम जाओ, जो जहाँ नहीं हम वहाँ जा चुके, पर कोई हमारा नहीं सुन रहा है। अभी तो यहाँ तक का पीछे में हम बढ़ा के बनाए थे, बोले कि बनने वाला है, प्रॉब्लम आ रहा है बनाने में, तोड़वाओ। हम वहाँ तक कि घर आ रहा था, घर भी तोड़वा दिए पीछे का, पर 4 महीना हो गया तोड़वा के, पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ नहीं। हम वैसी गंदगी में रह रहे हैं। हमारी परेशानी ये है कि गटर भर जा रहा है, पूरा पानी लीक हो के घर घर में जा रहा है, पानी जैसे तैर रहा है। छोटे बच्चे हमारे स्कूल पढ़ने वाले, वो टाइम पे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बस छूट जा रहा है। हम लोग इतना परेशानी हो रहा है कि मलेरिया डायरिया सब फैल जा रहा है छोटे छोटे बच्चे के साथ। यहाँ पे हम यहाँ के पार्षद को बोल चुके, यहाँ के नेता को बोल चुके, यहाँ तक कि सब चीज़ को बोल चुके, जगह जगह आवेदन दे के थक गए, पर हमारी कोई नहीं सुन रहा है। ये चाहते हैं कि हमारा निवारण हो, ये सब बन जाए। हमको बहुत आश्वास मिला कि ये बन जाएगा, अच्छे से बनेगा, तो हम यहाँ पे पीछे पीछे जो बढ़ा के बनाए थे उनसे लड़ के सबके घर तोड़वा के रखे हम लोग, फिर भी कोई प्रॉब्लम को सलूशन ही नहीं हो रहा है। हम लोग का इतना प्रॉब्लम है कि हर जगह जाके देखे हैं, लेकिन कहीं से कुछ हम लोग को नहीं मिल रहा। सीवरेज का बहुत ज़्यादा सर, सुबह होता ही हम लोग का पूरा जो वीडियो आपको अभी मैं दिखाई थी, पूरा गटर पानी घर में आ जा रहा है सर। हाथ से भी निकाल के मैं रोज फेंकती हूँ मेरे घर का पानी, उतना गंदा पानी, इतना गंदा पानी है सर। हम लोग हर जगह दे दिए हैं आवेदन, जहाँ बोले वहाँ दिए, और बोले पीछे तोड़वा दो, क्लियर करो, क्लियर करो, इतना बोले। 4 महीना हो गया हम लोग तोड़वा दिए, लेकिन कुछ कहीं से कुछ नहीं हो रहा। उनको भी फोन करने से उन लोग भी होगा होगा बोलते ना, कुछ पार्षद को सबसे पहले बताए हैं, लेकिन पार्षद बोले की बीएसपी मैटर समझेंगे और होगा, बाद में होगा ऐसे बोल रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। गौरतलब है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा एक ओर जहां नालियों की साफ सफाई, सीवरेज चेंबर की साफ सफाई, नया सीवरेज चेंबर बनाने का दावा किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इस स्थिति को देखने के बाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती नजर आती है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कितनी गंभीरता से अपने कार्यों को करते हैं, यह इसे देखकर स्पष्ट हो जाता है। निगम के कर्मचारियों का सीवरेज चेंबर बनाने आश्वासन मिलने के उपरांत कुछ लोगों ने अपने घरों के पीछे हिस्से को भी तुड़वा लिया था, लेकिन सीवरेज चेंबर बनाने का कार्य अब तक शुरू नहीं किया जा सका।
साल भर से लोग ऐसे गंदे बदबूदार हालात के बीच रहने को मजबूर हैं। लोगों को ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। इन्हें इस नारकी जीवन से कब तक मुक्ति मिल पाती है यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।